गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। और आज मैं आ गया फिलहाल अभी टाटा का शोरूम पे, क्योंकि एक भैया है वो लेने वाले थे होंडा एमेज, उसका हम लेके आ गया भाई टाटा का शोरूम में। पहले बोला कि एक दो गाड़ी है, सफारी हैरियर, ये पहले आप देख लो, उसके बाद आपको अगर सही लगेगा होंडा का गाड़ी देखने में तो आप वो भी देख लेना। तो फिलहाल अभी देखते हैं जाके टाटा सफारी का क्या मामला है। वैसे ब्रेकफास्ट तो मैंने करके निकल गया, लेकिन भाई कॉफ़ी अभी तक पिया नहीं, तो पहले इधर का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे कॉफ़ी पीने। গোটা ভ্যারিয়েন্ট আছে, মানে মডেল গোটা আছে। ये पैनोरामिक सनरूफ के साथ है नया टाटा सफारी। अब इसमें सफर तो कर लिया, कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक का जो आवाज होता है ना, तो एक मिनट सनरूफ क्लोज कर देते हैं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, और गाड़ी का लुक्स, डायमेंशन, ड्राइविंग, कंफर्ट, ये सब पूरा सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक है बोल के मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। उसका जो आवाज होता है, जो पिकअप रहता है, वो अच्छा नहीं लगा मेरे को, मतलब बाकी सब ऑल गुड। तो भाई ये है टाटा सफारी जो अभी लेटेस्ट मॉडल है, उस मतलब लेटेस्ट मॉडल है वो, उसका फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लोग देख सकते हो। और ये है इंटीरियर इसका, अब पूरा इंटीरियर देख लो एक बार। वेंटिलेटेड सीट के साथ आता है, आगे का दो सीट वेंटिलेटेड है और पीछे भाई इसका काफ़ी स्पेस है, मतलब थर्ड रो, मिड रो, सारा जो स्पेस है वो हमको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इंटीरियर आप लोगों को पहले एक बार दिखा दे, उसके बाद फिर बाहर दिखा देते हैं। एडस का लेवल 2 आता है, जो ये मॉडल में नहीं है, लेकिन जो अभी अगर कोई परचेस करता है तो उसमें एडस का लेवल 2 इसमें दिया हुआ है। और मतलब काफ़ी भाई वाइब्रेशन बहुत कम, इंजन नॉइज बहुत कम, टाटा का जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो हमको इसमें नहीं दिखा। हम अभी गाड़ी चलाया, आप लोग मतलब वो सिनेमेटिक शॉट में देखे होंगे मेरा गाड़ी, हम ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत किया और हाईवे ड्राइविंग भी लिया, तो भाई मेरे को काफ़ी सही लगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग देख सकते हो इधर, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें फुल्ली डिजिटल है, ये हर कुछ मतलब ये पूरा बंद हो जाता है, पूरा ऑफ हो जाता है चाबी बंद करने से। पुश बटन स्टार्ट इधर दिया हुआ है, इधर एसी का वेंट्स या डिज़ाइन डैशबोर्ड का आप लोग देख सकते हो। तीन मोड इसमें आता है, टेरेन मोड, सैंड मोड और मड मोड, ये तीन मोड में आप गाड़ी चला सकते हो। 360 डिग्री कैमरा इसमें दिया हुआ है, DSC भी इसमें दिया हुआ है। पार्किंग का मतलब हैंड ब्रेक का कोई यह लीवर नहीं है, ये ऑटो है, ऑटोमेटिक है।
और की कुछ इस तरह का आता है इसका। अब देख सकते हो टाटा सफारी का की कुछ इस तरह का आता है, और इधर दिया हुआ है ग्लोव बॉक्स। सीट में मतलब ये वेंटिलेशन का स्विच है दोनों सीट का, और इधर एक छोटा सा चीज़ दिया हुआ है जो कि इधर थोड़ा सा भाई सीट, ये सीट का इधर थोड़ा सा आगे आ जाता है और थोड़ा आराम मिल जाता है भाई बैक साइड को। आप देख सकते हो ये गाड़ी का स्पेस काफ़ी अच्छे हैं। बाहर का एक बार आप लोग को वीडियो दिखा देते हैं हम। तो वेलकम सीट अच्छे ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, हाँ। और इधर भाई ये वेलकम सीट है, इसका मैनुअल एडजस्टेबल ये है, 8-way एडजस्टेबल सीट है, और इधर है पूरा इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल। हाँ ये इलेक्ट्रिकल या मैनुअली कर सकते हैं ना, এটা ম্যানুয়াল করতে পারবেন না আপনি, অ্যাডজাস্টেবল হয় ইলেকট্রিক্যাল করতে হবে। হুম, এটা ভেন্টিলেটেড সিটেড অপশন। হুম, আর এটা মেমরি ফাংশন আছে, ভেন্টিলেটেড সিট অন করে। এ ভাই মেমরি ফাংশন है, और इधर आप हाथ से इसको ইলেকট্রিক্যালি অ্যাডজাস্টেবল कर सकते हो अपने हिसाब से। आप 1, 2, 3 तीन मेमोरीज के साथ ये आता है। गाड़ी का आउटलुक आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। आप देख सकते हो गाड़ी का आउटलुक ये है भाई साहब, टाटा सफारी 2023। देखने में तो भाई अच्छा लग रहा है मेरे को। लाइट का पावर फावर के बारे में पता नहीं क्योंकि दिन का टाइम में मैंने टेस्ट ड्राइव लिया। व्हील बेस इसका है 18 इंचेस का, आप देख सकते हो 18 इंचेस का व्हील बेस के साथ ये आता है। और भाई मेरे को तो गाड़ी सही लगा। हम लोगों का हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी आ गया भाई बहुत बारिश, और आप लोग देख सकते हो क्या ही बारिश हो रहा है जो खड़ी है गाड़ी। अब यहाँ से वहाँ जाते वक्त ना पूरा एकदम भीग जाएंगे, फिर भी चलो चलना तो है, फटाक से जाके चढ़ जाते हैं गाड़ी में। फिलहाल आ गया सीसीडी और हाथ में है मेरा कॉफ़ी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉफ़ी एक पीना बहुत ज़रूरी है भाई, जो कि मैंने सुबह से आज पिया नहीं था। मतलब इतना बारिश हो रहा है ना आज, इतना बारिश हो रहा है, शोरूम से निकलने के बाद खाली बारिश ही होते जा रहा है। कुछ प्रोडक्टिव आज काम भाई किया नहीं, खाली ये सब में बीत गया। भैया को था गाड़ी लेने के लिए, उधर गए थे, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं मेरे को, क्या डिसीजन बना उन लोगों का। खैर जो भी हो, एक बार चलते हैं अभी ऑफिस, ऑफिस में है कुछ काम, उसके बाद फिर चल जाएंगे सीधा घर। घर जाके खा पी के सो जाएंगे, कुछ एडिटिंग का काम है वो भी करना है अपन को। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता है। मेरा वीडियोज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो गिव से थम्स अप, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड नाइट।